वेलकम बैक दोस्तों, मैं विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी वी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप ही सब लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग रीजनिंग में अरिहंत प्रकाशन की बुक का सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक का हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ रहे थे क्लॉक एंड कैलेंडर, और क्लॉक एंड कैलेंडर का हम लोग पार्ट वन पढ़ चुके हैं। इस पार्ट वन में टोटल दोस्तों हम लोग 1 नंबर से 30 नंबर तक के क्वेश्चनों का हल करना बहुत ही और सिंपल तरीके से हल करना सीखा है। दोस्तों, इसी का आज हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे, और इस पार्ट में टोटल क्वेश्चन हम दोस्तों 31 से 60 नंबर तक के क्वेश्चनों का बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन होंगे वो ये हमारे कैलेंडर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। जो पार्ट वन था हमारा दोस्तों, वो सब क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो दोस्तों, आपको भी बता दूं, यदि आप भी किसी भी प्रकार के वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारे सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आने वाली एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप से जुड़ने से बेनिफिट आपको इस बात का होगा कि इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप हमें अपनी क्यूरी वहां पे भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि और भी आपकी किसी प्रकार की कोई राय सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे ग्रुप से जुड़ करके आप हमें वहां भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, कैलेंडर चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको एक कुछ चीजें लिख दिया हूँ। दिनों के नाम हैं और ईयर के नाम हैं और कुछ चीजें और हैं। तो दोस्तों, अगर आप कैलेंडर पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ों के बारे में जान लेंगे, इनका यूज कहाँ पे क्या होता है, तो आप लोगों को कैलेंडर बिल्कुल आसान से भी आसान लगने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्रयास करते हैं कि पहले आपको इन सारी बातों को समझा दें, उसके बाद हम लोग कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो ये हमारे सप्ताह के दिनों के नाम हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब सप्ताह के दिनों के नाम जो दिए होते हैं, अगर उनकी हमको कोडिंग याद करनी हो या कोडिंग बनानी हो, तो सबसे पहले आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, ये बिल्कुल ही आसान होता है। और ये जब तक नहीं आएगा, ये इतनी सारी चीज़ें जो मैंने मेन मेन मुख्य मुख्य लिख रखी हैं, अगर इतनी सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लिए और जान लिए, तो आपको चैप्टर कैलेंडर का जो होगा वो चुटकियों में हल करेंगे दोस्तों, चुटकियों में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो हमने सप्ताह के नाम अर्थात दिनों के नाम लिखे हैं, तो उनमें किसका क्या कोड होता है। तो सबसे पहले दोस्तों और एक चीज़ जान लीजिएगा, इन सारे चीज़ों का कोडिंग जानने के बाद क्या होता है, लीप वर्ष, मतलब लीप वर्ष हमारा दिया गया है और साधारण वर्ष भी दिया गया है और ऐसे वर्ष भी दिए गए हैं कुछ। तो दोस्तों, इन सभी वैल्यूओं का क्या निकालते हैं हम लोग, विषम दिन निकालते हैं, यानी कि ऑड डे। ऑड मतलब विषम, डे मतलब दिन, विषम दिन ज्ञात करते हैं। अब विषम दिन कैसे निकाला जाता है अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें आपको। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे रविवार लिखा है, तो रविवार का कोड हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों क्या होता है, 0। सोमवार का कोड हम ध्यान रखेंगे 1। मंगलवार का 2। बुधवार का दोस्तों 3। गुरुवार का 4। शुक्रवार का 5। और शनिवार का कोड 6। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाली बात नहीं है, ज़्यादा कुछ परेशान होने की बात है, सीधा रविवार से लेकर के शनिवार तक हमको चलना और 0 से कोडिंग करते चला जाना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे जनवरी, फरवरी से लेकर के दिसंबर तक के दिनों में विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो इनका विषम दिन निकालने के लिए दोस्तों आप लोग जान लीजिएगा कि सबसे पहले जनवरी, तो जनवरी का विषम दिन कैसे निकाला जाता है, यानी कि जनवरी का कोडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जाने, जनवरी होती कितने दिनों की है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। तो इससे हमको ये कन्फर्म हो गया कि जनवरी माह जो है हमारा वो कितने दिनों का होगा, वो 31 दिनों का होगा। अब दोस्तों, 31 दिनों की जनवरी होगी, तो ये 31 में हम क्या कर लेंगे, 7 का भाग दे देंगे। जब 7 का भाग, यानी किसी भी ईयर मंथ डे, यानी किसी भी का अगर हमको विषम दिन निकालना हो, तो उसकी वैल्यू में हम 7 का भाग देते हैं, यानी कि विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, यानी कि तो उसका क्या निकल के आ जाएगा, वो विषम दिन निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जनवरी हमने बताया जो, तो जनवरी में हम जानते हैं टोटल 31 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। इस 31 में अगर हम 7 का भाग देंगे दोस्तों,
इस 31 में हमने 7 का भाग दिया तो क्या आ गया हमारा, 7 चौक 28, बचा कितना दोस्तों 3, जो बचता है वही उसका विषम दिन होता है। फरवरी में देख लेते हैं, फरवरी हमारी कभी कभी 28 की होती है, कभी कभी 29 की भी होती है, तो जब 28 की फरवरी होगी तब इसका विषम दिन दोस्तों कितना आएगा, 0 आएगा, और जब फरवरी हमारी 29 की होगी तब इसका विषम दिन 1 आएगा। दोस्तों ये फरवरी 28 और 29 की कब होती है, जब हमारा जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी 0 दिनों की होगी यानी कि, और जब फरवरी हमारी 29 दिनों की होगी यानी लीप वर्ष की जब होगी तो उसमें फरवरी हमारी 29 दिनों की होगी। अब ये कैसे हम जानेंगे कि इस ईयर में फरवरी 28 की होगी कि ये 29 की होगी, अभी क्या चल रहा है दोस्तों 2022, तो 2022 में हम कैसे जाने कि फरवरी इसमें 28 की थी कि 29 की थी। जैसे दोस्तों देख लीजिएगा, आप लोग इधर समझने का प्रयास करें, 2022 दिया है, इस 2022 में ये इकाई और दहाई के प्लेस वैल्यू को 4 के पहाड़ा से आप कट करके देखेंगे, अगर ये इकाई और दहाई की प्लेस वैल्यू 4 के पहाड़े से कट जाएगी पूरा पूरा तो फरवरी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 29 दिनों की हो जाएगी, अर्थात लीप वर्ष हो जाएगा। और दोस्तों यदि 4 के पहाड़ा से ये नहीं कट रहा तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा, अर्थात फरवरी हमारी 28 दिनों की होगी। देख लेते हैं 22 को अगर 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 दोस्तों, नहीं पूरा पूरा कट रहा, 2 बच जा रहा, तो इसका मतलब फरवरी यहाँ पे क्या थी हमारी, फरवरी हमारी यहाँ पे साधारण वर्ष की थी यानी कि 28 दिनों की फरवरी थी, ये बात हमने जाना। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब तो इस प्रकार से आपको पता हो गया कि फरवरी में विषम दिनों की संख्या 0 और 1 थी। अब इसी प्रकार मार्च का अगर हम देखते हैं तो मार्च में होता है 31 दिन तो हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि मार्च महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। अब अप्रैल में देख लीजिएगा, अप्रैल दोस्तों 30 का होता है, 7 चौक 28 2 बच जाएगा, मई दोस्तों हमारा 31 का होता है इसलिए 7 चौक 28 3 बच जाएगा, जून दोस्तों हमारा 30 का होता है तो 7 चौक 28 2 बच जाएगा, तो ये हम विषम दिनों की संख्या लिख रहे हैं। अब दोस्तों उसके बाद जुलाई में आ जाइए, जुलाई हमारा 31 को होता है तो 7 चौक 28 तो यहाँ पे हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। विषम दिनों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई, 3 आ गई। अब उसके बाद जुलाई के बाद अगर अगस्त देखें तो अगस्त भी हमारा 31 का होता है तो यहाँ भी विषम दिनों की संख्या 3 आ जाएगी। सितंबर देखेंगे दोस्तों तो सितंबर हमारा जो होता है वो 30 दिनों का होता है, यहाँ पे 7 चौक 28 अर्थात 2 बचेगा तो 2 हमारा विषम दिनों की संख्या सितंबर माह में आ गई। अब आ जाइए अक्टूबर में, तो अक्टूबर होता है दोस्तों हमारा 31 का होता है तो 7 चौक 28 बचेगा यहाँ पे 3, तो अक्टूबर माह में विषम दिनों की संख्या 3 हो गई। नवंबर में देखेंगे दोस्तों तो नवंबर हमारा जो होता है यहाँ पे नवंबर में हो जाएगा हमारा विषम दिनों की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि नवंबर हमारा 30 का होता है, दिसंबर हमारा 31 का होता है तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगी। इतनी भी आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं साधारण वर्ष की, तो एक जो साधारण वर्ष होता है वहां पे 365 दिन होते हैं, कितने होते हैं 365 दिन। अब अगर इसी में हम विषम दिनों की संख्या निकालें तो हम 7 का इसमें भाग दे देंगे तो 7 पना 35 बचा 1 15 हो गया, 7 दूना 14 बचा 1, तो विषम दिन यहाँ पे कितने आ जाएंगे अगर हम देखें तो 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 दिन आ जाएगी, विषम दिनों की संख्या यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब दोस्तों ऐसे ही अगर हम लीप वर्ष का निकालें तो लीप वर्ष जो होता है 366 दिनों का होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर लीप अगर वो विषम दिन निकालें तो विषम दिन यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, विषम दिन कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 पना 35 हो जाएगा और बचा कितना हमारा 35 1 36 1 बच गया और 1 हमारा हो गया 16। अब 7 दूना 14, 14 में दोस्तों हमारा 2 बच जाएगा, 14 2 16 यानी कि विषम दिनों की संख्या यहाँ पे हमारी 2 आ गई और यहाँ पे हमारा दोस्तों 1 आया था, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों एक बात आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे हमारा बात कर रहा है किस चीज का, यहाँ पे दोस्तों हमारा यहाँ जो बात हो रही है इस बार ये वर्षों में लिखा 400 वर्ष 300 वर्ष 200 वर्ष 100 वर्ष, तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या दोस्तों कितनी आ जाएगी, 0 होती है, कितनी होती है 0। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या दोस्तों हमारी 1 हो जाएगी और 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या दोस्तों हमारा 3 हो जाएगी और 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 हो जाएगी, तो यानी कि 0 विषम दिन आए, 0 ये क्या आए हैं दोस्तों हमारे, विषम दिन है, विषम दिन
दिन क्या है दोस्तों? विषम। यहाँ पे एक दिन विषम आएगा, यहाँ पे तीन दिन विषम आएगा और यहाँ पे पांच दिन विषम आएगा। बस दोस्तों, अब अगर आपको इतनी सारी बातें आपको कंफर्म हो गई हैं तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर और बड़े ही आसानी और सिंपल तरीके से इस चैप्टर को पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग ये चीज़ देख करके बोरिसमस महसूस करिएगा दोस्तों, क्योंकि यही सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तभी आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है कि यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 5 जनवरी, तो हमने लिख दिया 5 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था दोस्तों? हमारा सोमवार था, तो हमने सोमवार लिख दिया। हमको निकालना है 31 मार्च और 2013 को कौन सा दिन होगा, ये बात हमको ज्ञात करनी है। या तो दोस्तों आप लोग ऐसा करिए कि 5 जनवरी 2012 से चलना स्टार्ट करिए और 31 मार्च 2013 तक चलते जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल आएगा। चलिए मैं पहला कंडीशन करके दिखाता हूँ। पहला तरीका, टाइप फर्स्ट, तो ये फर्स्ट टाइप जो हम लोग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 जनवरी 2012 से मान लीजिए हमारा घर पे घर बनना स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2013 को मान लीजिए घर हमारा बनके कंप्लीट हो गया, तो इस बीच टोटल कितने दिन हमारे घर पे काम चला ये जानकारी कर लेते हैं और निकालते हैं कौन सा दिन होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखें 5 जनवरी 2012, तो जनवरी महीने में टोटल जनवरी कितने दिनों की होती है? 31 दिनों की होती है और इन 31 दिनों में 5 जनवरी से काम चालू हुआ है, तो इसलिए 31 दिनों में 5 दिन हम पहले कम कर देंगे तो कितने दिन बचेंगे? 26। अब जनवरी माह में टोटल 26 दिन काम हमारे हुआ, तो इस 26 दिन का हम क्या निकालेंगे? ऑड डे निकालेंगे, यानी कि विषम दिन निकालेंगे। तो 7 का भाग जब हम 26 में देंगे तो 7 * 21 आ जाएगा, 21 के आगे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा? 5 बच जाएगा। तो जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई? 5। अब निकालेंगे हम लोग फरवरी का। फरवरी देख लीजिए 2012 था, तो 2012 में ये हमारा क्या था? अब 12 आ गया दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 2012, तो यहाँ पे फरवरी हमारी 28 की होगी कि 29 की होगी? हमने बताया रखा है कि ये ईयर के लास्ट के दो लीटरों में अगर आप 4 का भाग दे देते हैं ये संख्या पूरी पूरी कट जाती है, तो फरवरी 29 दिनों की होगी, अन्यथा फरवरी 28 दिनों की होगी। तो 4 से भाग अगर हमने 12 में दिया तो 4 * 3 = 12 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये बात हमको पता चल गई कि फरवरी यहाँ पे 29 दिनों की थी। जब फरवरी 29 दिनों की होगी तो फरवरी में पूरे 29 दिन काम चला, तो 7 का भाग जब हम 29 में देंगे तो 7 * 4 = 28 बच जाएगा शेष 1, यानी कि जो शेष बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। तो फरवरी माह में विषम दिनों की संख्या हो गई 1। अब दोस्तों फरवरी के बाद आ जाइए मार्च। अब मार्च में आपको पूरा मार्च चलना है क्योंकि ये 2012 से 2013 वाला मार्च है, हमको तो अभी 2012 वाला ही मार्च मिला है ना। तो मार्च महीने में विषम दिनों की संख्या आ जाएगी दोस्तों 3, क्योंकि 31 दिन होते हैं। अब मार्च के बाद अप्रैल में दोस्तों 2 आ जाएगा, मई में दोस्तों हमारा 3 आ जाएगा, जून में हमारा 2 आ जाएगा, जुलाई में दोस्तों हमारा 3 आ जाएगा, अगस्त में हमारा 3 आ जाएगा, सितंबर में हमारा 2 आ जाएगा, और अक्टूबर में हमारा 3 आ जाएगा, नवंबर में हमारा 2 आ जाएगा, दिसंबर में हमारा 3 आ जाएगा, और फिर जनवरी में हमारा 3 आ जाएगा। फरवरी इस बार 2013 की आ जाएगी, तो 2013 में जब फरवरी में पहुंच जाएंगे हम तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, ये साधारण वर्ष रहेगा, 7 * 7 = 28, तो फरवरी में 0 दिन आ जाएंगे। फरवरी के बाद दोस्तों मार्च, मार्च में हमको 31 मार्च तक जाना है, तो इसलिए 31 मार्च तक जाना है, तो 31 में यानी कि 7 * 7 = 28 3 ही विषम दिन आ जाएंगे। अब इनको हमको सबको क्या करना है, जोड़ लेना है, 5 * 6 = 6 * 3 * 9 * 9 * 2 * 11 * 11 * 3 * 14 * 14 * 2 * 16 * 16 * 3 * 19 * 19 * 22 * 23 * 27 * 27 * 32 * 33 * 35 * 35 * 38 टोटल इनका योग कितना आ गया दोस्तों? 38 आया। अब 38 में हम 7 का भाग देंगे, 7 * 5 = 35, बचा हमारा 3 विषम दिन बच गया, 3 विषम दिन ये हो गया, 3 विषम दिन हमारा बचा। अब ये 3 विषम दिन का मतलब क्या हुआ?
अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये देखिए, 2012 से 2013 यानी कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोमवार से हम तीन विषम दिन आए तो तीन दिन आगे कर देंगे। जब सोमवार से पहला दिन आ जाएगा मंगलवार, बुधवार और यहाँ पे अगला आ गया बृहस्पतिवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों हमारा बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है, इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्या हो राइट बनेगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बृहस्पतिवार। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा पहला कंडीशन। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 31 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन का हम लोग दूसरा तरीका पढ़ते हैं, दूसरा तरीका जानते हैं कैसे करते हैं। दूसरा तरीका भी आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अभी आप लोग सीख रहे हैं, जैसे सीख जाएंगे तो बहुत तेजी से हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे इसी क्वेश्चन का हम लोग टाइप टू हल कर रहे हैं। टाइप टू हल करने का तरीका आप लोग समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है 5 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था दोस्तों, यहाँ पे हमारा सोमवार था, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब 5 जनवरी 2012 को हमारा सोमवार था तो यहाँ पे हमको निकालना है 31 मार्च 2013 का, 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा ये बात हमको बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 31, यहाँ पे 5 जनवरी, यहाँ पे 31 मार्च, ना तो ये तारीख मिल रही है और ना ही यहाँ पे महीना मिल रहा और ना ही यहाँ पे हमारा ईयर यानी कि सन मिल रहा है। जब कोई भी चीजें आपस में ना मिले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ मिला के बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे, अब दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे जब कोई भी चीज ना मैच करे तो आप लोग पहले वाले से 5 मतलब ये तारीख और महीना, तारीख और महीना सेम कर लीजिएगा और दूसरे वाले से, पहले वाले से हमने क्या बताया, ये 5 जनवरी को ले लीजिए, दूसरे वाले से ये सन को ले लीजिए 2013। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप ये होगा कि अब ये इतना बन गया, अब हमको क्या करना है, पहला वाला और तीसरा वाला को, इसको स्टेप फर्स्ट कह देते हैं, क्या कहते हैं, स्टेप फर्स्ट, यहां पे स्टेप फर्स्ट ये हो गया। अब स्टेप फर्स्ट यानी कि अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हमने स्टेप फर्स्ट को हल किया। स्टेप फर्स्ट को हल करने का तरीका देख लीजिएगा, 5 जनवरी 2012 से 5 जनवरी 2013 यानी कि 5 जनवरी 5 जनवरी सेम है, तो यहां पे देख लेते हैं वर्षों का डिफरेंट है, तो वर्षों का डिफरेंट देखेंगे कितना हो जाएगा, वर्षों का डिफरेंट हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, वर्षों का यानी 12 से 13 एक वर्ष का गैप है, तो हम यहाँ पे वर्ष का गैप लिख लिया 1। अब इस 1 के साथ ये आप लोग देखेंगे 2012 से 2013 के बीच में कितने लीप वर्ष पड़े हैं, तो 2012 वाला ही लीप वर्ष पड़ेगा क्योंकि यहां पे जनवरी क्या, हम फरवरी जाएंगे तो फरवरी हमारा लीप वर्ष मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों लीप वर्ष में विषम दिन संख्या 1 होती है, इसलिए हमने यहां पे 1 और ऐड कर दिया। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट स्टेप से कितने विषम दिन आ गए हमारे, 2 आ गए, ठीक है। अब अगला देखेंगे, अब जब हम जब दूसरा स्टेप हल करेंगे तो दूसरा स्टेप हल करने का तरीका दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, दूसरा स्टेप हमारा इसको मान लेते हैं, दूसरे और तीसरे को हम दूसरा स्टेप मान लेते हैं, ये स्टेप हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप है, ठीक है ना दोस्तों। अब दूसरा और तीसरा, अब दोस्तों देख लीजिए 5 जनवरी 2013 से चलना स्टार्ट करेंगे और 31 मार्च 2013 तक हम चलते जाएंगे, तो अब यहां पर हमने लिख लिया स्टेप सेकेंड। तो हमने स्टेप सेकेंड जब सॉल्व किया तो दोस्तों यहाँ पे 5 जनवरी 2013 से चलना स्टार्ट करेंगे, तो जनवरी महीने में टोटल 31 दिन होते हैं, तो इन 31 दिनों में हम 5 दिन बाद चलते हैं, तो यानी 26 दिन बचे, तो 26 में अगर हम विषम दिनों की संख्या निकालें तो 7 + 21 के बाद कितना बचा हमारा, 5 बचा। तो ये जो 5 हमारा आया, तो ये 5 क्या हो जाएगा, जनवरी महीने में विषम दिनों की संख्या आ गई 5, फरवरी 2013 मतलब 28 दिनों क्योंकि इसलिए यहाँ पे हो गया 0। फरवरी के बाद दोस्तों मार्च में हमारा 3 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 5 + 3
आठ विषम दिन यहां पे आ गए। अब यहां पे देखें स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड के जो विषम दिन आए हैं इनको अगर हम जोड़ लें, दो प्लस आठ कर लें, तो दो प्लस जब आठ करेंगे तो फाइनली यहां पे हमारा कितना आ जाएगा, दस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दस आ जाएगा। अब इस दस में जब हम सेवन का भाग करेंगे, विषम दिन और निकालेंगे, तो सात एकन्नम सात, यानी कि बचा यहां पे कितना, तीन विषम दिन बचा, तीन विषम दिन बचा। अब ये तीन विषम दिन जो बचा है ये हमारा जनवरी 12 से 31 मार्च 13 आगे ही जा रहे हैं, तो जब दोस्तों हम आगे जाते हैं, आगे जाने का काम होता है, तो विषम दिन तीन विषम दिन, तो इतना ही हम आगे कर देंगे। कितना आगे कर देंगे, ये तीन दिन आगे कर देंगे, ठीक, तीन दिन आगे। जब तीन दिन आगे जाएंगे सोमवार से, तो मंगलवार बुधवार, नहीं सोमवार के बाद मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो यहां से भी दोस्तों देख लीजिएगा बृहस्पतिवार ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये भी मेथड समझ में आ गया होगा। अब आपको जो भी मेथड ठीक लगे आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे बृहस्पतिवार तो कोई भी ऑप्शन में दिया नहीं गया, इसलिए दोस्तों 31 का यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए 31 के बाद, दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों इसको आप चाहे अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 11 जनवरी 2018 को दिन कौन सा है दोस्तों, गुरुवार। गुरुवार बोले तो दोस्तों यानी बृहस्पतिवार, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे अगला दिया है 11 जून को कौन सा दिया, 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो अभी मैंने बताया कि ना तो यहाँ पे डेट तो मिल रही है लेकिन मंथ नहीं मिल रहा है और ईयर नहीं मिल रहा है, तो इसको हम वैल्यू इक्वल करने के लिए डेट और मतलब ये मंथ बराबर करने के लिए हमने बताया पहले वाले स्टेप से हम क्या करते हैं, डेट और मंथ की संख्या को लिख लेते हैं 11 जनवरी 11 जनवरी। दूसरे वाले से ईयर लिखा जाता है, दूसरे वाले से हमने ईयर लिख लिया। अब ये इतना क्या हो जाएगा, हमारा स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। तो अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे फर्स्ट स्टेप को हम लोग सॉल्व करेंगे, जब फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे तो 11 जनवरी 11 जनवरी सेम हो गया, तो 18 सन और यहाँ पे 19 सन, 2018 2019, तो यहाँ पे देखेंगे वर्षों का गैप कितना है, तो वर्षों का गैप दोस्तों यहाँ पे हमारा एक आ जाएगा। अब देखेंगे 2018 और 19 के बीच में क्या लीप वर्ष पड़ा है, नहीं, 2018 भी लीप वर्ष नहीं है, न तो 2019 भी लीप वर्ष नहीं है, तो हमारा विषम दिनों की संख्या यहाँ पे आ गई फर्स्ट स्टेप से एक आ गई। अब इसी में हम दोस्तों सेकेंड स्टेप सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, सेकंड स्टेप। मैंने बता रखा है कि सेकंड स्टेप हम इतने को बोलते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप हमारा ये हो जाएगा, जब सेकंड स्टेप 11 जनवरी 2019 से चलना स्टेप स्टार्ट करेंगे और 11 जून 2019 तक चलते जाएंगे, 11 जनवरी 2019 से स्टार्ट करेंगे और 11 जून 2019 तक चलते जाएंगे, तो जनवरी में हम 11 तारीख से चले हैं ना, तो जनवरी 31 की होती है, इसलिए 31 में 11 दिन पहले कम कर देंगे, तो 11 9 20 10 30 19 19 एक 20 दिन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 20 दिन। तो ये 20 दिन में हम जब 7 का भाग देंगे तो 7 × 2 = 14, बचेगा कितना, 6, तो 6 विषम दिन जनवरी में आ गए। फरवरी हमारे 28 का रहेगा इसलिए फरवरी में 0 आएगा, मार्च में हमारा 3 आ जाएगा, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में दोस्तों, अब जून में हमको 11 जून तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 11 जून तक जाना है, तो 11 जून को जब जाएंगे तो 7 × 7 बचेगा कितना हमारा, 4, तो इसलिए विषम दिनों की संख्या जून में कितनी आ गई, 4। अगर इनको हम सबको ऐड कर दें तो 6 × 3 = 9, 9 × 3 = 12, 4 × 16, 16 × 2 = 18, तो यहाँ पे विषम दिन कितने आ गए, 18। अब 18 में जब हम क्या करें, 7 का भाग दे देंगे, तो यानी कि फाइनली जो आ जाएगा 7 का भाग देने पे 7 × 2 = 14 बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे फाइनली हमारा 4 विषम दिन हो गए। कितने विषम दिन हो गए, 4। तो अब क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट स्टेप ये था और सेकंड स्टेप हमारा ये था। फर्स्ट स्टेप में विषम दिनों की संख्या एक थी
और सेकेंड स्टेम में विषम दिनों की संख्या चार है, तो टोटल जोड़ करके पांच विषम दिन हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, पांच हो गया, अब पांच में यहां से हम क्या करेंगे, पांच दिन आगे चले जाएंगे, पांच दिन आगे। तो जब पांच दिन आगे जाएंगे दोस्तों, तो ये गुरुवार से जब पांच दिन आगे जाएंगे, शुक्रवार, शुक्रवार पहला मिल जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे, मंगलवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया मंगलवार, इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर। तो मंगलवार यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी पे, तो 32 का देखा जाए तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। अच्छा, एक चीज यहाँ तक तो आपको समझ में बात आ गई होगी, अगर यहाँ पे हम ऐसा कर लें, जैसे हमने यहाँ पे 18 विषम दिन निकाले थे और उसके बाद भी इसमें सात का भाग देने के बाद चार विषम दिन फाइनली बचा, तब भी आपको ये ठीक था। अब दोस्तों क्या करेंगे, तो अब आगे हम अगर देखेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा विषम दिन, यहाँ पे करेंगे ये कि अगर हम ये 18 और एक को जोड़ देते तो 18 एक 19 हो जाता, तो 19 में जब हम सात का भाग देते तो सात दोनों 14 पांच बच जाता, तब भी तो हमारा वहां। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, और 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। यहाँ पे 1 जनवरी को शुक्रवार बताया है, तो कहा गया किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, अधिवर्ष कहा है इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम फरवरी 29 वाली ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कहा 1 जनवरी को शुक्रवार, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 जनवरी को कौन सा दिन है दोस्तों, यहाँ पे शुक्रवार है हमारा 1 जनवरी को। अब सन तो नहीं बताया गया कौन सा सन है, तो हम ऐसा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कहा ना अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा पड़ेगा, तो अब यहाँ पे हम अगला जो ले लेंगे, मान लेते हैं जनवरी माह में 1 जनवरी शुक्रवार था, तो जनवरी माह में अगर हम विषम दिन निकालें तो 1 जनवरी को तो इसने बता ही दिया, तो अब जनवरी में 31 होते हैं, 31 में एक कम कर देंगे तो 30, 30 में हमारा यहाँ पे आ जाएगा जनवरी माह में विषम दिन संख्या 2। फरवरी माह में दोस्तों हम मान लेते हैं 29 की फरवरी रही होगी तो 1 आ जाएगा। अब जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में 1 मार्च की कहानी कही गई है, पहली मार्च की पहली तारीख को, तो मार्च में हो जाएगा हमारा 1। अधिवर्ष कहा है दोस्तों इसलिए हम फरवरी 29 वाली ले रहे हैं, अगर अधिवर्ष ना कहता तो हम फरवरी 28 की भी ले सकते थे, फरवरी 29 की भी ले सकते थे। तो 2-2 यहाँ पे 4 हो गया, 4 दिन शुक्रवार से 4 दिन जब आगे जाओगे, यहाँ पे 4 दिन आगे, तो शुक्रवार से 4 दिन जब आगे आएंगे दोस्तों तुम्हारा कितना हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, इतवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा, मंगलवार। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, 33 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 बाद दोस्तों 34 नंबर देखा जाए, तो 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि भारतवर्ष में 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तथा एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था तथा वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तब वाई का जन्म था, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में पहले कहा क्या गया है। पहले यहाँ पे कहा है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, आप सबसे पहले जान लीजिए, जो गणतंत्र दिवस होता है वो 26 जनवरी को होता है और जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो 15 अगस्त को होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि यदि भारत वर्ष में 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, 1980, तो इसका मतलब क्या हुआ, 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, यहाँ पे दिन था हमारा शनिवार रहा होगा, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था, एक्स का जन्म, तो यहाँ पे 3 मार्च 1980 को एक्स का जन्म हुआ था, ये कौन है इस जगह पे, एक्स है, ठीक है ना। तो अब आगे हमको एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था तथा वाई जो है एक्स से 4 दिन बड़ा है, एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो इसका मतलब दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले एक्स का निकाल लेते हैं, उससे 4 दिन बड़ा कर देंगे बाद में इसको, तो ठीक है। अब हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 26 जनवरी से हमको 3 मार्च 1980 तक चलना है और ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा दिन आएगा। तो 26 जनवरी 1980,
80 को देखें तो यहाँ पे हमारा 80 क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है ना, क्योंकि 80 हमारा 4 से कट रहा है, इसलिए मतलब लीप वर्ष फरवरी यहाँ पे 29 की पड़ेगी। तो 26 जनवरी, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में दोस्तों हमारा 26 निकल जाएगा, बचेगा 5, 5 में विषम दिनों संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 5 का 5 रहेगी, फरवरी में 1 आ जाएगी, मार्च में हमारे 3 आ जाएंगे, तो कुल मिला के इनको सब जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9 आ गया। 9 में अगर हम 7 का भाग दे देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा, 2 विषम दिन बचेगा, कितना बचेगा, 2 विषम दिन बच गए। अब ये क्या करेंगे, 2 दिन आगे हम करेंगे, 2 दिन आगे जाएंगे, 2 दिन जब आगे जाएंगे शनिवार से तो हमारा रविवार और सोमवार, कौन सा दिन यहाँ पे आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया सोमवार। अब एक बात ये कहा गया है कि जो सोमवार तो आया है लेकिन इस सोमवार से हमको निकालना है वाई का जन्म निकालना है, एक्स का जन्मदिन तो हमने निकाल लिया, तो एक्स से 4 दिन बड़ा है वाई, तो 4 दिन बड़ा होगा, इसका मतलब अब वाई जो है वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, इसलिए 4 दिन पीछे करने पर, 4 दिन पीछे करने पर, अब जब 4 दिन आप पीछे करेंगे, सोमवार से 1 दिन पीछे आएंगे तो संडे मिल जाएगा, संडे से 1 दिन पीछे जाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे संडे से 1 दिन पीछे आएंगे तो पहले सोमवार से 1 दिन पीछे हमारा आ गया दोस्तों संडे, संडे से 1 दिन पीछे शनिवार, शनिवार से 1 दिन पीछे शुक्रवार, शुक्रवार से 1 दिन पीछे बृहस्पतिवार, तो वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, इसलिए 4 दिन पीछे, 4 दिन लिखना चाहिए, 4 दिन पीछे, जब पीछे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बन जाएगा दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, बृहस्पतिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी कि हम इसको मान लेंगे कि हमारा क्या है यहाँ पे, बृहस्पतिवार, ऑप्शन दिए होंगे लेकिन यहाँ पे मैंने लगाने के लिए मैं भूल गया होऊंगा दोस्तों। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का वाई का जन्म कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार को था, बृहस्पतिवार। तो आप लोग इस क्वेश्चन को राइट समझिए, ठीक है, आप लोग करके भी देख सकते हैं, मैंने जो तरीका बताया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 के बाद हम यहाँ पे 35 नंबर, और 35 नंबर क्वेश्चन में कहा कि यदि दिसंबर 17 1899 को शनिवार था तो दिसंबर 22 1901 को कौन सा दिन होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे 17 दिसंबर 1899, ध्यान से देखिएगा, 17 और यहाँ पे हमने दिसंबर लिख लिया, 17 दिसंबर 1899 को कौन सा दिन था यहाँ पे, शनिवार, तो हमने यहाँ पे शनिवार लिख लिया। फिर अगला कहा है 22 दिसंबर, तो हमने यहाँ लिख दिया 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा, ये बात बतानी है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, सब कुछ डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट होता तो हमने बताया पहले वाले से हम डेट और मंथ कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमा करते हैं, डेट और मंथ कॉमा कर देते हैं, हमने ये कॉमा कर दिया 17 दिसंबर, और दूसरे वाले से हम सन ले लेते हैं, दूसरे वाले सन ले लिया, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहला स्टेप सॉल्व करेंगे, तो 17 दिसंबर 1899 1901, तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो वर्षों का गैप कितना हो जाएगा, 2 वर्षों का गैप हो जाएगा, इस 2 वर्ष में अगर हम देखें तो हमको लीप वर्ष की संख्या भी कुछ मिलेगी। अब यहाँ पे देखें तो 2 वर्ष में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमारा 18 दिसंबर की बात कही गई है, तो यहाँ पे कुल मिला के फर्स्ट स्टेप में हमारे कितने दिन आ गए, 2 दिन निकल के आ गए, ठीक है। जो जब 2 दिन हम आगे जाएंगे, या 2 दिन हमारा मान लीजिए फर्स्ट स्टेप से आ गया, अब हम सेकेंड स्टेप अगर सॉल्व करें यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिख लिया सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप सॉल्व करेंगे तो 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जाएंगे तो यहाँ पे विषम दिनों संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब जब दोस्तों 5 आ जाएगी तो अब देखिए यहाँ भी हमारा 5, यहाँ पे विषम दिन 5 आया, यहाँ पे 2 आया, तो दोनों को जोड़ेंगे, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप को जो हमारा विषम दिन आया है 2 धन 5 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 7। अब ये 7 में जब हम 7 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे 1 जाएगा, विषम दिनों की संख्या यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो 0 मतलब दोस्तों जो ये शनिवार है तो यहाँ भी
हमारा शनिवार ही आ जाएगा, शनिवार ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों? शनिवार ही आएगा। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? 35 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीरो दिन आगे, जब जीरो दिन आगे जाएंगे यानी कि जो दिन है वही का वही दिन आ जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी शनिवार है तो शनिवार ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 35 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 के बाद 36 नंबर, और 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया होगा, ये बात बतानी है। वर्ष 1996 गणतंत्र दिवस दोस्तों, तो गणतंत्र दिवस की बात आई यानी कि 26 जनवरी की बात आ गई, ठीक, हमने 26 जनवरी 1996 लिख लिया और दिन हमारा क्या है? शुक्रवार हमारा दिन है, हमने शुक्रवार दिन लिख लिया। और फिर यहाँ पे कहा गया है कि वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस दोस्तों कितना होता? 15 अगस्त को होता, हमने 15 अगस्त लिख लिया। और सन कौन सा है? 2000 है। इस दिन हमको बताना है कि कौन सा दिन रहा होगा। तो अभी अभी जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन हल किया है, तो पहले वाले 26 जनवरी हमने सेम रख लिया, दूसरे वाले का हमने सन उतार लिया, और अब हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कहलाता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप बन गया। इसको हल करेंगे 26 जनवरी 1996 और यहाँ पे 2000, तो देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लीप, वो मतलब कि वर्षों का गैप कितना आ जाएगा? वर्षों का गैप हमारा आ जाएगा 96 से 2000 आएंगे तो 4 वर्षों का गैप आ जाएगा। इन 4 वर्षों में अगर देखें तो लीप वर्षों की संख्या हमारी 1 पड़ जाएगी। कौन सा? सन 96 जो होगा, ये 96 हमारा 4 से कट जाएगा, यानी 96 हमारा लीप वर्ष होगा। तो इस लीप वर्ष में देखिए जनवरी 26 जनवरी चलेंगे तो फरवरी देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए 96 में हमारा लीप वर्ष 1 मिल जाएगा, तो हमने 1 लीप वर्ष का जोड़ लिया। टोटल यहाँ विषम दिनों संख्या आ गई कितनी दोस्तों? 5 आ गई। अब 5 आ गई, अब यहाँ से हम सेकेंड स्टेप सॉल्व करेंगे। सेकेंड स्टेप जब दोस्तों सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा, सेकेंड स्टेप हमारा हम जानते हैं इतने को कहते हैं, तो ये हमारा क्या है? ये सेकेंड स्टेप है और ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो 26 जनवरी 2000 से 15 अगस्त 2000 तक जब आप चलते जाएंगे तो 26 जनवरी, तो जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या दोस्तों कितनी आ जाएगी? यहाँ पर हमारी 5 आएगी। फरवरी माह में, तो जनवरी के बाद दोस्तों अगर हम फरवरी में आ जाएं तो सन जो हमारा 2000 है, 2000 हमारा यानी कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी हमारी 1 मिल जाएगी। फरवरी के बाद दोस्तों अगर हम देखें मार्च में हमारा 3 हो जाएगा, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में हमको 15 अगस्त तक जाना है, तो 7 × 2 = 14 बचेगा अगस्त में हमको 1 दिन, तो 1 विषम दिन आ जाएंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो 5 × 1 = 6, 6 × 3 = 9, 9 × 2 = 11, 11 × 3 = 14, 14 × 2 = 16, 16 × 3 = 19, 1 = 20। फाइनली आ गया 20। अब 20 में हम जब 7 का भाग दे देंगे तो विषम दिन कितने आ जाएंगे? 6 विषम दिन आ जाएंगे, ठीक है। अब 6 दिन इसके, अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप से 5 आया, सेकेंड स्टेप से 6 आया है, टोटल हो गया 11। 11 में जब हम 7 का भाग देंगे, 7 × 7 = 7, 4 = 11, 4 विषम दिन आ गए। तो ये शुक्रवार से हम 4 दिन क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। तो शुक्रवार से जब आगे बढ़ेंगे, शुक्रवार के बाद शनिवार आ जाएगा, इतवार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, यानी कि देखा जाए तो मंगलवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर, यानी 4 दिन आगे गए हैं दोस्तों हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मंगलवार हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए पे, तो 36 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 के बाद 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, शशिकांत किस दिन जन्मा था? हमको ये बात बतानी है। सबसे पहले कहा गया कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, शशिकांत का जन्म जब हुआ था सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। किससे हुआ था? सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। तो अगर अब हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, और फिर कहा गया है उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, स्वतंत्रता दिवस बता दिया, तो यहां से हमको पॉइंट वाली बात बता दिया। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस दोस्तों होता है 15 अगस्त
15 अगस्त, और सन कौन सा बताया गया है 1999, कौन सा दिन था, कहा है ना स्वतंत्रता दिवस को रविवार को पड़ा था उसी वर्ष कौन सा रहा 1999, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, सन 1999 कौन सा दिन पड़ा था रविवार, तो हमने यहाँ पे लिख लिया रविवार। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या बात कही गई है, तो कह रहा शशिकांत किस दिन जन्मा था, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था और शशिकांत का जन्म सुरेश से छः दिन पहले हुआ था, तो मतलब शशिकांत का जन्म कह रहा है जो भी हुआ था वो सुरेश के जन्म से 6 दिन पहले, तो सुरेश का जन्म दोस्तों यहाँ पे क्या बता दिया गया 4 अक्टूबर बताया गया है, तो इस 4 अक्टूबर से अगर हम 6 दिन पीछे चले जाएंगे तो अक्टूबर में 6 दिन तो ये नहीं पीछे आ जाएंगे, बचेगा 2 दिन और पीछे जाना है, तो अक्टूबर के पीछे हम आ जाएंगे, हमको सितंबर मिल जाएगा, सितंबर 30 का होता है, इसलिए 29 और 29 यानी कि हमारा बन जाएगा 28, 28 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 4 अक्टूबर हमको मिल जाएगा, तो शशिकांत का जो हमारा जन्मदिन मिला वो मिल गया दोस्तों कौन सा दिन हमको 28 सितंबर 1999, ये किसका जन्मदिन आया यहाँ पे, ये आया शशिकांत का, ये बर्थडे डेट है। ठीक है, दिन कौन सा पड़ रहा है यही बात हमको निकालना है, तो इतनी बात दोस्तों आपको 28 सितंबर कहाँ से आ गई ये बात पता चल गई होगी, फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो या कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं, और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या प्रॉब्लम समझ में आ रही हो या कोई आपका क्यूरी हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के सुझाव या डाउट को भेज करके उसका सलूशन वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो रिसीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूँ कि यदि आपको ये मतलब इसके अलावा किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जाकर बताएं, और या फिर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी आप हमको वहाँ जुड़ करके बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 28 सितंबर 1999 को कौन सा दिन था। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 25 अगस्त 1999 और 28 सितंबर 1999 उसी वर्ष की कहानी है, तो हम 15 अगस्त से चलना स्टार्ट करते हैं और 28 सितंबर तक चलते जाते हैं। तो 15 अगस्त जानते हैं 31 का होता है, तो 31 में हमने 15 दिन बाद चलना स्टार्ट किया, तो 16 दिन बचे, 7 × 14 = 14, 2 = 16, तो यानी कि 2 दिन आ गए हमारे अगस्त महीने में, विषम दिनों की संख्या आ गई। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे अगस्त के बाद सितंबर में आ जाएंगे, सितंबर में हमको पूरा 28 दिन चलना है, तो 7 × 28 और 28 में हमारे विषम दिनों की संख्या आ गई 0, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 2 दिन आया, तो 2 दिन हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे चल रहे हैं ना तो आगे बढ़ेंगे, तो रविवार से 2 दिन आगे आएंगे, तो रविवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद क्या आएगा मंगलवार, हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि शशिकांत का जन्म हमारा कौन सा दिन होगा मंगलवार को हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 37 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 बाद दोस्तों 38 नंबर देखा जाए तो 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो बताइए कि 17 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले 15 जनवरी 1993 को कौन सा दिन है दोस्तों सोमवार है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया सोमवार, और फिर हमको बताना है 17 अगस्त, यहाँ पे हमने लिख दिया 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा, सबको डिफरेंट है दोस्तों, तो हमने बताया पहले स्टेप से हमने 15 जनवरी सेम उतार लिया, दूसरे स्टेप से 2004 उतार लिया, तो ये इस प्रकार बन गया हमारा पहला स्टेप। तो अब इस पहले स्टेप को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया फर्स्ट स्टेप को हम सॉल्व कर रहे हैं, जब फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे 15 जनवरी सेम हो गया, 93 से 2004 वर्षों का गैप हो गया 11 वर्षों का गैप, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 11 वर्षों का गैप ये लिख लिया। अब इन 11 वर्षों में हमको कितने लीप वर्ष मिले होंगे, तो एक तो दोस्तों 93 के बाद हमारा 96वां लीप वर्ष मिला होगा, 96वां के बाद एक बार हमारा 2000वां मिला होगा, 2000वां के बाद दोस्तों अब हमारा 2004 तो लीप वर्ष है, लेकिन हम यहाँ 15 जनवरी तक ही जाएंगे, फरवरी में आगे देख ही नहीं पाएंगे, तो बस इसमें कितना आ गया 11, 2, 13 आ गया,
13 में अगर विषम दिनों की संख्या निकालें, 7 + 3 = 7, 6 विषम दिन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 6 विषम दिन आ गए। अब हम देखते हैं दोस्तों सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप मैंने आपको बता रखा है कैसे हल करना है। ये होता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप यानी कि 15 जनवरी 2004 से 17 अगस्त 2004 तक चलते जाना है। तो 15 जनवरी में 31 दिन, 31 में 15 निकल गया, 16 दिन बचे, 16 × 2 = 7, 2 × 7 = 14, 14 × 2 = 16। जनवरी माह में 2 विषम दिन निकल के आ गए। फरवरी में आएंगे तो फरवरी हमारा कितना होता है दोस्तों? फरवरी होता है हमारा 2004 की फरवरी हमारा यहाँ पे लीप ईयर्स है, यानी कि 1 आ जाएगा फरवरी में। फरवरी के बाद दोस्तों अगर हम देखें मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में हमारा 17 अगस्त तक ही हमको चलना है। तो 7 × 2 = 14, 14 × 3 = 17, तो अगस्त महीने में भी संदिनों की संख्या 3 आ जाएगी। अब इन सबको अगर जोड़ें तो 2 + 1 = 3, 3 + 6 = 6, 2 + 8 = 8, 3 + 11 = 11, 11 + 13 = 13, 13 + 16 = 16, 19। तो ये हो गया हमारा 19। अब 19 में अगर हम 7 का भाग दे देंगे तो 7 × 2 = 14, 14 × 5 = 19, यानी कि 5 विषम दिन आ जाएंगे। अब अगर हम देखें फर्स्ट और सेकंड स्टेप को ऐड करें तो 6 + 5 = 11 आ जाएगा। 11 में हम 7 का भाग दे देंगे तो बचेगा हमारा 4 विषम दिन बच जाएगा। तो ये 4 विषम दिन जो हमारा बचा, तो 4 दिन हम क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। तो 4 दिन आगे जब जाएंगे दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे सोमवार था, सोमवार से 4 दिन आगे जाएंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो यहाँ का जो दिन आएगा ये हमारा आ जाएगा शुक्रवार। इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 के बाद दोस्तों 39 नंबर देखेंगे और 39 नंबर में कहा गया कि नासिर का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है। उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि रेहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ है? नासिर का जन्म 18 मई और गुरुवार को हुआ था, ठीक है। उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा? रेहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ था, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले कहा गया 18 मई, हमको बताया गया 18 मई को दिन कौन सा है? गुरुवार, हमने ये लिख लिया। और ये कौन है? नासिर है, हमने यहाँ पे इनका नासिर लिख दिया कि नासिर भाई साहब हैं जिनका 18 मई दिन गुरुवार को जन्म हुआ था। उसी वर्ष, अब हमको वर्ष नहीं पता है तो वर्ष की हमको जरूरत भी नहीं है, कह रहा उसी वर्ष रेहान का जन्म, अब यहाँ पे रेहान भाई साहब आ गए, रेहान का जन्म उसी वर्ष, जो भी वर्ष में, उसी वर्ष के इसमें, तो 19 अगस्त कहा गया है, 19 अगस्त को हुआ था। तो इसमें दिन बताना है कौन से दिन हुआ था। तो दोस्तों 18 मई से चलना स्टार्ट करना है और 19 अगस्त तक चलते चले जाना है। 18 मई, तो मई होता है हमारा 31 दिनों का, तो यहाँ पे 18 × 2 = 20, 13 दिन आ गया। तो 7 × 2 = 14, यानी कि 7 = 6, यानी कि देखा जाए तो मई महीने में 6 विषम दिन आ गए, ठीक है। और मई महीने में 6 विषम दिन आने के बाद हम मई के बाद जून में चले जाएंगे, जून में 2 आ जाएगा, जुलाई में हमारा 3 आ जाएगा और अगस्त हमारा 19 है, 7 × 2 = 14, तो 14 + 5 हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या? 19 हो जाएगा। ये आ गया अगस्त महीने में विषम दिन की संख्या। सबको ऐड करेंगे, 6 + 2 = 8, 8 + 3 = 11, 11 + 5 हमारा हो जाएगा 16, 11 + 5 कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा, 6 + 2 = 8, 8 + 3 = 11, 11 + 5 = 16। अब ये जो हमारा 16 आया, तो अब हम 16 को क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे कि हमको 16 मिल जाए। तो 7 × 2 = 14, इसमें जब 7 का भाग दे देंगे तो विषम दिन कितने बचेंगे? 2। तो 2 दिन जब आगे हम जाएंगे, ये 2 दिन आगे हम जब जाएंगे तो गुरुवार से हमारा आ जाएगा शुक्रवार और शनिवार। कौन सा दिन मिल जाएगा हमको? शनिवार मिल जाएगा। शनिवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो रेहान का जन्म किस दिन हुआ था? शनिवार को हुआ था। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो क्वेश्चन का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? 39 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। 39 के बाद दोस्तों 40 नंबर देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का 6ठा दिन होगा? अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, कहा गया कि यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है
किसी महीने का, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमने माना जनवरी महीना, क्या मान लिया जनवरी, किसी महीने का है ना, तो आप कोई भी महीना मान लीजिए। करके यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार, चौथा दिन तो चार जनवरी देख लीजिएगा, चार जनवरी को कौन सा दिन था, रविवार था। हमने जनवरी महीने इसलिए मान लिया ताकि आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी लगने लगे, नहीं ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा किसी महीने में, तो हमने कोई एक महीना मान लिया, मान लिया जनवरी रहा होगा, ठीक है। तो जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या, ओ जनवरी माह में चार जनवरी को रविवार था। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के तीसवें दिन के पहले का छठा दिन। अब दोस्तों उसी महीने के तीसवें दिन, तो जनवरी से तीस जनवरी उसी महीने के तीसवें दिन, तीसवें दिन यानी कि यहां पे हम लिख देते हैं तीसवां दिन क्या पड़ेगा, तीस जनवरी पड़ेगा। अब तीस जनवरी से छह दिन पहले कह रहा, उसी महीने के तीसवें दिन के पहले का छठा दिन क्या होगा। अब छह दिन पहले, तो तीस में हम क्या करेंगे, अब छह दिन कम कर देंगे, अब 26 दिन, मतलब अब यहां पे एक चीज और समझ लीजिएगा, अब चार दिन को तो रविवार था, तो चार से तीस के बीच में, चार जनवरी से लेकर के तीस जनवरी के बीच में टोटल कितने दिन आ गए हमारे, 26 दिन आ गए। अब 26 दिन में, अभी कह रहा छह दिन पहले, तो छह दिन पहले और हम क्या करेंगे, यहां पे छह और कम कर देंगे, छह दिन पहले कहा है तो छह दिन और कम कर देंगे, तो टोटल बचा हमारा 20 दिन। तो इस 20 दिन में हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, तो सात का भाग दे देंगे, तो जब सात का भाग दे देंगे तो सात दो 14 बचा 6 दिन। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम जनवरी से 6 दिन आगे बढ़ जाएंगे, जनवरी से 6 दिन क्या चलेंगे आगे जाएंगे ना, क्योंकि आगे का महीना निकाल रहे हैं। तो जनवरी के बाद जनवरी रविवार से हम 6 दिन आगे बढ़ेंगे, तो रविवार के बाद सोमवार मंगल बुध बीफे शुक्र शनिवार, कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों हमारा, शनिवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 40 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 के बाद 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, अब ध्यान से समझिए, किसी माह का चौथा दिन, तो मान लीजिए 4 जनवरी को ही हमारा चौथा दिन पड़ा, किसी माह का चौथा दिन, तो हमने 4 जनवरी ही कह लिया, फिर से 4 जनवरी को दिन कौन सा पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है, ठीक है, हमने शनिवार लिख दिया। करा किसी माह का चौथा दिन शनिवार है, तो उस माह के 26वें दिन, तो हमने लिख दिया माह का 26वां दिन। अगर यहां पे हम ऐड कर दें माह का 26वां दिन, तो 26 4 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 जनवरी को था, अब कह रहा माह का 26वां दिन, अच्छा उसी माह का 26वां दिन कहा ना, उस माह के 26वें दिन, तो 26वां दिन 26 ही आएगा, 26वां दिन माह का 26वां दिन 26 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें 4 कम कर देंगे तो 22 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 जनवरी से हम चलना स्टार्ट किए हैं, इसलिए हम 4 कम कर देंगे 22 आ जाएगा। अब 22 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 दिन पहले कहा है, तो 22 में हम 5 और कम कर देंगे, तो बचेगा हमारा 17 बचेगा, ठीक है ना, 17 बचा। अब 17 में हम विषम दिनों संख्या निकालेंगे, 7 2 14 बचेगा हमारा कितना, 3, 14 3 17। तो 3 दिन जब हम आगे जाएंगे, तो शनिवार इतवार सोमवार मंगलवार हमको पड़ जाएगा, तो मंगलवार दिया गया बी ऑप्शन, तो 41 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कैसे, फिर समझ लीजिएगा, कहा गया यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार, तो माना माह 4 जनवरी को शनिवार रहा होगा, तो माह का 26वां दिन 26 तारीख पड़ेगी, 26 तारीख बनेगा जाकर के, ठीक, माह का 26वां दिन अर्थात 26 तारीख। तो अब इस 26 में हम क्या करेंगे, ये 26 में हम क्या करेंगे, ये 4 दिन कम कर देंगे, बचेगा 22 दिन, बचेगा 22 दिन। अब 22 दिन कहा है, 5 दिन पहले, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, 22 में से 5 दिन पहले कहा, तो 5 दिन पहले वाले भी हम हटा देंगे, तो कितना बचेगा, 17 दिन बचेगा, क्या बचा हमारा, 17 दिन बचा।
तो अब जब ये 17 दिन बचा तो हम क्या करेंगे, अब इस 17 में हम 7 का भाग दे देंगे, तो 7 × 2 = 14, बचा कितना 3, 7 × 2 = 3 बचा, तो 3 दिन आगे चले चले जाएं। तो शनिवार से जब 3 दिन आगे जाएंगे तो इतवार सोमवार मंगलवार दिन हमारा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मंगलवार। इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, और 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक महीने में सभी शनिवार एवं रविवार को छुट्टियां रहती हैं, यदि महीना जनवरी का है तो उस महीने कुल कितनी छुट्टियां होंगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि हर एक महीना में हफ्ते के 4 दिन बनते हैं जाकर के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कहा गया कि शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है, यानी कि हफ्ते में 2 छुट्टियां रहती हैं, कितनी छुट्टियां रहती हैं, 2 छुट्टियां रहती हैं। तो अब यहाँ पे हफ्ते में 2 छुट्टियां रहती हैं, कहा गया यदि महीना जनवरी का है तो उस महीने कुल कितनी छुट्टियां होंगी। अब अगर एक बात इसमें ये नहीं बताया गया कि कहा गया कि एक महीने में सभी शनिवार एवं रविवार को छुट्टियां रहती हैं, कोई एक मान लो जनवरी महीने का समय चल रहा है और उस जनवरी महीने में शनिवार को भी छुट्टी रहेगी और रविवार को भी छुट्टी रहेगी, और हमको ये बात बतानी है कि उस पूरे महीने में फाइनली टोटल कितनी छुट्टियां हो जाएंगी। अगर एक यहाँ पे कोई डेट पुटअप कर देता कि इस डेट से इस डेट के बीच में कितनी छुट्टियां होंगी शनिवार रविवार को, तो हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे डेट कोई एक एक्चुअल डेट नहीं बताई गई कि जनवरी महीने में कौन से महीने से मतलब तारीख से लेना है, तो इसलिए दोस्तों ये जानकारी अधूरी है, तो इसमें हम आंसर नहीं दे सकते, ना ही दे पाएंगे, तो जानकारी अधूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, तो आप ये तो जानते हैं कि चार चार हफ्ते में एक ही दिन 4 बार पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा समय आ जाता है, कभी ऐसा संयोग बन जाता है कि कोई एक महीना जो हमारा मतलब कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि 2 बार पड़ जाते हैं, तो हो सकता है जनवरी महीने में शनिवार या रविवार में कोई डबल पड़ जाए, 4 के अलावा पड़ जाए तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम जानकारी अधूरी विकल्प एक ही क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 42 के बाद दोस्तों हम देखेंगे 43 नंबर, और 43 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है तो उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, मान लेते हैं जनवरी माह, हमने क्या मान लिया जनवरी माह, 31 दिनों वाले का हमको मानना जनवरी में 31 ही होता है इसलिए हमने माना जनवरी माह, 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, तो यानी कि हमको ये बात पता चल गई कि 16 जनवरी को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है, ये हमने बात कह लिया। अब आगे क्या कहा, उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, 16 तारीख के बाद 31 जनवरी को पूछा गया है, यानी कि आखिरी महीने का आखिरी दिन, महीने का आखिरी दिन किस तारीख को पड़ेगा या कौन सा दिन होगा। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो 16 के बाद अगर हम इसमें देखें तो 16 × 4 = 20, 10 × 4 = 14, 15 बचेंगे, तो 15 में अगर हम क्या करें, 15 दिन बचा तो 15 में 7 का भाग दे देंगे, 7 × 2 = 14, एक दिन आया, एक विषम दिन हमारा बन गया, एक विषम दिन। अब बृहस्पतिवार से एक दिन आगे हम बढ़ जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे शुक्रवार, तो एक विषम दिन, यानी कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे ना, क्योंकि आगे जाने के लिए 16 जनवरी से हम 31 जनवरी जा रहे हैं, तो एक दिन, एक विषम दिन आगे जाएगा, तो बृहस्पतिवार से कौन सा दिन आ जाएगा हमारा, शुक्रवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि अब यहाँ पे देख लीजिए, शुक्रवार केवल एक ही है, शनिवार बुधवार, अब पांचवा चौथा ऐसे बताया रखा है, तो अब जब हमको एक ही शुक्रवार है तो हमको उस महीने में क्या देखने की जरूरत है कि 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं कि 4 शुक्रवार पड़ रहे हैं, तो शुक्रवार आएगा, अब ये कौन सा पड़ेगा, पांचवा पड़ेगा चौथा पड़ेगा, जब ऐसा कह देता कि कौन सा शुक्रवार, कौन से नंबर का शुक्रवार पड़ेगा, तो हमको फिर पूरे महीने में शुक्रवार खोजना पड़ता कहाँ कहाँ पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे केवल शुक्रवार हमें मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों 43 का ए में आप टिक करें और आगे बढ़ें। 43 बात देखते हैं दोस्तों 44 नंबर, और 44 नंबर में कहा गया कि यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में कौन सा दिन उसी माह के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा ध्यान से, यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है, मान लेते हैं 4 जनवरी,
माह कौन सा मान लिया, जनवरी। 4 माह को, 4 जनवरी को कौन सा दिन है, शुक्रवार है, हमने शुक्रवार कह दिया। हमने ये क्या है, जनवरी माह माना है, ठीक, 4 माना जनवरी, 4 जनवरी को शुक्रवार था, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में कौन सा दिन उसी माह के 25वें दिन, माह का 25वां दिन, माह का 25वां दिन, माह का 25वां दिन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, माह का 25वां दिन हमारा 25 तारीख ही होगा, ठीक है। 25, माह का 25वां दिन 25 तारीख। अब दोस्तों यहाँ पे माह का 25वां दिन हमारा 25 तारीख था, तो अभी 4 जनवरी से स्टार्ट होता, तो 25 में हम 4 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अब यहाँ पे जब 25 में हम 4 कम करेंगे तो 21 दिन आ जाएगा। अब ये कहा है कि 25वें दिन के बाद तीसरा दिन, तो 21 में हम 3 और ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में जब हम 7 का भाग देंगे, 7 21 बचेगा हमारा 3, तो 3 दिन हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे 3 दिन आगे। तो शुक्रवार से 3 दिन आगे जाएंगे तो शनिवार, इतवार, सोमवार, कौन सा दिन आ जाएगा यहाँ पे हमारा, सोमवार आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 44 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहा गया, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आज का दिन सप्ताह का कौन सा होगा। तो 9 दिन दोस्तों, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई और वो दिन क्या दिन, बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार था वो दिन। अब 9 दिन से जब हम 9 दिन में 7 का भाग दे देंगे तो कितने दिन बचेंगे, 2 दिन हमारे विषम बचेंगे, 2 दिन विषम बनेंगे, तो 2 दिन विषम हो गए। तो अब इसमें क्या होगा, तो 2 दिन हम क्या करेंगे, हम पहले गई ना, तो बृहस्पतिवार से 2 दिन हम पीछे कर देंगे तो बुधवार, अब बुधवार से 1 दिन मंगलवार, तो यहाँ पे हमारा देखा जाए, या फिर दोस्तों अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, पीछे ना करके इसको आगे किया जाएगा, इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, फिर से समझ लीजिएगा। यहाँ कहा गया कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, यानी कि वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, 9 दिन पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम 9 दिन पहले गए होंगे, बृहस्पतिवार के दिन हम गए होंगे सिनेमा देखने, तो सिनेमा देखने जाते तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आज का पूछना है ना। 9 दिन से हम जब आगे, जो हमारा विषम दिन बचेगा आगे आने के लिए, हम 2 दिन उसमें बृहस्पतिवार में ऐड करेंगे ना, तो इस बृहस्पतिवार में जब 2 दिन आप आगे आ जाएंगे, 2 दिन विषम आगे आ जाएंगे, बृहस्पतिवार शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, तो शनिवार इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 45 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इसमें मंगलवार मत करना, क्योंकि आप लोग पीछे कर देंगे तो गड़बड़ कर देंगे, और आगे ही जाना होगा। कैसे, मान लीजिए आज से 9 दिन पहले हम गए होंगे कहीं मंदिर घूमने, कहीं भी गए होंगे, तो उस 9 दिन में अगर हम 7 का डिवाइड कर दें, विषम दिनों को निकाल लें, 2, तो 2 दिन बचा। अब बृहस्पतिवार जब गए थे तब था, तो कह रहा आज का दिन बताओ, तो हम पीछे जाने से, जब आज का दिन आनी आ जाने के लिए पीछे से आगे ही तो आएंगे, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे शनिवार हो जाएगा, 2 दिन बढ़ा के कर देंगे, ठीक है ना। मतलब 2 दिन विषम दिन बचा तो बृहस्पतिवार से 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो शनिवार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 के बाद 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया है कि यदि किसी वर्ष में, जो कि लीप वर्ष नहीं है, 28 फरवरी को सोमवार। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे कह दिया गया 28 फरवरी को कौन सा दिन पड़ रहा है, और कह रहा है यदि किसी वर्ष में, जो कि लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है, हमने सन मान लिया 2001, लीप वर्ष कह देता तो हम 2004 मान लेते, तो यहाँ पे लीप वर्ष नहीं, हमने कोई 2001 मान लिया। अब कह रहा 28 फरवरी 2001 को कौन सा दिन है, यहाँ पे सोमवार है, सोमवार हमने मान लिया, तो कह रहा आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे कह रहा आगामी 2 जनवरी को
2 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा ये बात बतानी है। तो या तो दोस्तों आप वैसे ही कर लीजिए जैसे भी मैं बताता चला आ रहा हूँ, या तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के दो तरीके बताए हैं। तो अब दो तरीके कह रहा आगामी 2 जनवरी को, आगामी कह रहा आने वाला, तो यहाँ पे 2002 बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, अगला वर्ष पहुंच जाएगा ना, आगामी कहा है इसलिए 2002। अब दोस्तों 28 फरवरी 2001 से आप चलना स्टार्ट करिए और 2 जनवरी 2002 तक चलते जाइएगा। तो आगामी 2 जनवरी तक हमको निकालना है। तो फरवरी में अगर देखें तो यहाँ पे तो फरवरी में 28 की फरवरी थी और 28 का भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या आ जाएगी फरवरी माह में 0, मार्च में दोस्तों 3, अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, उसके बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी में हमको 2 दिन जाना है। ये हमने सब विषम दिनों संख्या हर एक मंथ में लिख डाली। जोड़ते हैं 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 6, 16, 16, 17, 18, 18, 3, 21, 21, 2, 23, 23, 26, 26, 27, 28, टोटल आ गया हमारा 28। अब जब 28 आया तो 7 का भाग दे देंगे। अब जब हम ये 7 का भाग देंगे तो विषम दिनों संख्या आ जाएगी 0। अब जब 0 विषम दिन आएगा तो यानी कि सोमवार है तो सोमवार ही आंसर आ जाएगा हमारा, तो यानी कि इस दिन भी हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार ही रहेगा। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 के बाद 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष की निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया कि वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष की निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज ये नहीं दी गई, कहा गया कि वर्ष के 5 मार्च, अब कौन से वर्ष की बात कही गई है हमको वर्ष नहीं पता है, तो कोई भी एक वर्ष हम अपने आप से रख लेंगे, माना वर्ष 2002 है या कुछ और मान लीजिए, जो आपका दिल करे वो मान सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, हमने माना वर्ष 2002, कौन सा मान लिया वर्ष 2002, कहा वर्ष के 5 मार्च, ध्यान से समझने का प्रयास करें, अच्छा क्वेश्चन मिल गया है, नया टाइप सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे कहा गया कि 5 मार्च 2002 को जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष की निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा। अब सबसे पहले हम ये निकालें कि 5 मार्च 2002 को कौन सा दिन था। तो अब दोस्तों देख लीजिए इसको कैसे निकाला जाता है, जब कभी भी इस प्रकार आ जाए और हमको ना पता हो तो उसको डेट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, सन कौन सा दिया गया है, 2002 सन दिया गया है। जो भी सन दिया जाए उस सन से एक वर्ष कम करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक वर्ष कम करके लिखेंगे तो 2001 आ जाएगा। इस 2001 को अगर इस प्रकार हम टुकड़ों में लिखें, कैसे लिखें दोस्तों, 400 × 5, तो 4 × 5 = 20, यानी कि 2000 निकल हो जाएगा, अब प्लस हमने एक और ऐड कर दिया तो ये हमारा हो गया दोस्तों क्या, 2001 ही है, हमने इस प्रकार लिख दिया गया। अब 400 दोस्तों हमने क्यों लिखा, क्योंकि अभी पीछे क्वेश्चन में हमने बता रखा है कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, और 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। अब इसका यहाँ पे यूज होने वाला है। तो अब दोस्तों हमने इसलिए इस 2001 को इस प्रकार लिख लिया, क्या करना है, जो भी सन दिया जाए उस सन से एक वर्ष कम करके लिख लेना और इसको इस प्रकार टुकड़ों में विभक्त कर लेना है जिसमें भी आपको आसानी पड़ जाए। तो अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है और मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, प्लस का 1 तो लिखा ही है, और अब देखेंगे 5 का गुणा 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस का 1। अब ये दोस्तों जो 1 बचा है हमारा, क्या इस एक वर्ष में लीप वर्ष मिलेंगे, तो 2001 था तो 2001 में कोई लीप वर्ष नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब अब लीप वर्षों की संख्या कुछ नहीं आएगी, बस ये तो 1 का 1 ही रहेगा, तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब 2001 तक का तो हिसाब हमने करके दोस्तों क्या निकाल लिया, विषम दिनों संख्या 1। अब हम आ जाएंगे 2001 के बाद जनवरी 2002 में प्रवेश कर जाएंगे, तो 1 जनवरी 2002 से चलना स्टार्ट करेंगे और 5 मार्च तक चलते जाएंगे, तो इस बीच में विषम दिनों संख्या ज्ञात करें, तो 2002 में आ जाइए, 2002 का हम
निकाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। 2002 में जनवरी माह में विषम दिन संख्या 3, फरवरी हमारा 0 दिनों का रहेगा, फरवरी के बाद मार्च में हमारा 5 दिन आ जाएगा, तो 5 3 8 आ जाएगा, 8 में जब हम 7 का भाग देंगे तो फाइनल विषम दिनों संख्या हमारी आ जाएगी, एक ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारी, एक आ जाएगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो हमने 2001 और 2002 में जितना भी निकाल रखा है ये वैल्यू यानी कि विषम दिन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और एक को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारा ऐड करने पे एक और एक ऐड करने पे 2 आ जाएगा। तो 2 हमारा कोड किसका होता है, मैंने शुरू में ही लिख रखा है, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, और इनका कोड नीचे लिख रखा है, रविवार से 0 और फिर सोमवार का 1 मंगलवार का 2, तो यानी कि कुल मिलाकर के ये 2 आया, तो 2 का कोड क्या होता है हमारा मंगलवार। तो ये बात हमको क्लियर हो गई कि यहाँ पे क्या आया मंगलवार, तो 5 मार्च 2002 को कौन सा दिन निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारा मंगलवार आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमने ये यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, मंगलवार आएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि 5 मार्च पर जो दिन होगा, हाँ 5 मार्च पर दिन कौन सा आया मंगलवार हो है, तो कह रहा वही दिन उसी वर्ष की निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा। अब कह रहा है कि वर्ष 2002 ही लिया जाएगा, तो 5 अगस्त 2002 को क्या मंगलवार पड़ेगा, अगर पड़ रहा हो तो इसी को टिक करें, फिर अगर इसमें ना रहा तो इसको लेकर चलें, इसमें आज किसी इन चार ऑप्शनों में से किसी एक तारीख को मंगलवार जरूर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पे चलिए हम यहां पे ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन लेके हम हल कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, ए ऑप्शन लेके हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन ए में दिया गया है 5 अगस्त 2002, उसी वर्ष, तो उसी वर्ष हमने 2002 मान रखा, तो हमने 2002 रख लिया, 5 अगस्त 2002 हमने क्या लिख लिया दोस्तों, लिख लिया। अब करते क्या है, तो अब दोस्तों देख लीजिएगा 5 अगस्त 2002, अब जैसे अभी इसको हल किया गया था वैसे सेम इसको भी हल करना है, या तो फिर दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 5 मार्च 2002 को आपने मंगलवार निकाल लिया है, तो 5 अगस्त 2002 को निकालना है, तो मार्च से मंगलवार तक आगे आप जाएंगे तो देख लीजिएगा 5 मार्च से हम चलना स्टार्ट करेंगे और 5 अगस्त तक चलते जाएंगे, तो मार्च महीना हमारा होता है 31 का, 31 में हम 5 निकाल देंगे तो 26 बचेगा, 26 में हम जब 7 का भाग देंगे तो 7 * 21 = 5, तो यहाँ पे विषम दिन 5 आ गए मार्च में, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 5 ही आएंगे, इनको ऐड कर देंगे तो 5 * 2 = 7, 7 * 3 = 10, 10 * 5 = 15, 5 = 20, तो टोटल आ गया 20, 20 में जब हम 7 का भाग देंगे तो बचेगा 6 विषम दिन। अब 6 विषम दिन मंगलवार से 6 दिन जब आप आगे जाएंगे तो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा सोमवार आ जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे 6 दिन आगे हम जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा दोस्तों सोमवार आ गया, सोमवार, हमको तो लाना है मंगलवार चाहिए तो सोमवार आ गया है, यानी कि हमको ये बात पता चल गई कि ऑप्शन ए हमारा यहां से ये रॉन्ग हो गया। अब हम क्या लेंगे, ऑप्शन बी ले लेंगे। अब हम ऑप्शन जब बी लेते हैं दोस्तों, तो बी हमने ऑप्शन ये ले लिया, अब बी ऑप्शन में दिया गया 5 अक्टूबर, अब 5 अक्टूबर को हम निकालेंगे, 5 अक्टूबर 2002, तो 5 अक्टूबर 2002 से अब चलेंगे अगस्त में देख लेते हैं दोस्तों, अगस्त का तो हमने 5 अगस्त तक चले थे, यानी कि ये तो सेम आ जाएगा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक का, देख लीजिएगा यहाँ पे जब 5 अक्टूबर 2002 को निकालेंगे तो पहले विषम दिन आ जाएंगे 5, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3 और जो लास्ट में हमारा 5 है ये अगस्त, 5 अगस्त तक गए थे, अब हमको अक्टूबर तक जाना है, तो अगस्त महीने में विषम दिनों संख्या आ जाएगी 3, सितंबर में 2 आ जाएगी और अक्टूबर में हमारा 5 अक्टूबर तक जाना है, इसलिए 5 ही आएगा। इनको जोड़ते हैं 5 * 2 = 7, 7 * 3 = 10, 10 * 2 = 12, 12 * 3 = 15, 15 * 3 = 18, 18 * 2 = 20, 25 = 25 आ जाएगा। 25 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 * 21 बचेगा यहाँ पे 4, तो 4 दिन आगे हम यहाँ पे करेंगे, 4 दिन आगे,
तो यहां से मंगलवार से 4 दिन आगे करेंगे, तो मंगलवार का बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यहां पे कौन सा दिन आ जाएगा हमारा? शनिवार आ जाएगा। शनिवार, तो ये भी हमारा मंगलवार ही आना चाहिए था, शनिवार आया, यानी कि ये भी हमारा क्या है ऑप्शन? गलत है, यानी कि 5 अक्टूबर भी हमारा गलत हो गया। अब हम ले लेते हैं ऑप्शन सी, तो अब हम ऑप्शन सी को लेकर हल करेंगे, ठीक है ना। ये हमने ऑप्शन यहां पे सी ले लिया, तो सी ऑप्शन में दिया गया 5 नवंबर। अब यहां पे हमने लिख लिया 5 नवंबर 2002। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये अक्टूबर तक था, तो यहां तक तो हम सेम लिख देंगे, जोड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2। और ये अक्टूबर, अक्टूबर में 5 हमको अक्टूबर पूरा चलना पड़ेगा, तो इसलिए अक्टूबर में कितने हो जाएंगे? अक्टूबर में पूरे हो जाएंगे 3। अक्टूबर के बाद नवंबर में हमको 5 नवंबर तक जाना है, इसलिए नवंबर में 5 ही आएंगे। सबको जोड़िए दोस्तों, 5 2 7 7 3 10 10 5 15 15 5 20। अब 20 5 25 25 3 28। 28 में जब हम 7 का भाग दे देंगे तो 7 चौक 28, 0 दिन आगे आ गया दोस्तों, 0 दिन आगे। तो दोस्तों 0 आ गया, तो मंगलवार का मंगलवार ही रहेगा, मंगलवार का मंगलवार ही रहेगा, यानी कि देखा जाए तो वो डेट कौन सी है दोस्तों हमारा? वो है हमारा 5 नवंबर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? 5 नवंबर। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों आपको यदि क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप एक बार रिपीट करके क्वेश्चन को देखिएगा, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो रिसीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये तो अभी हमारे सभी मंडे एग्जामों की तैयारी के लिए ये सीरीज जो चल रही है महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको और भी किसी भी पर्सनली एग्जाम के लिए कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां भी अपनी राय दे करके अपने सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 बाद दोस्तों 48 नंबर, और 48 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था, ये बात बतानी है हमको। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो कहा गया है कि यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार, 23 तारीख को क्या है? रविवार है। तो यहाँ पे कह रहा 2 सप्ताह और 4 दिन पहले का पूछा है, तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 23वीं तारीख को हमारा दिन कौन सा पड़ रहा है? रविवार पड़ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे 2 सप्ताह 4 दिन पहले, तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले करेंगे, सप्ताह में पहले क्या करेंगे दोस्तों? सप्ताह में अब ये 23 है, ठीक है, ध्यान समझना दोस्तों। अब यहाँ पे हम 23 से पहले 1 सप्ताह कम कर देंगे, यहाँ पे 23 से पहले 1 सप्ताह कम करेंगे, अर्थात 7 दिन। 7 दिन जब हम कम करेंगे तो यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा? 7 कम करने पे आ जाएगा यहाँ पे हमारा 16 4 20 3 23, यानी कि 16 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा रविवार आ जाएगा। फिर 1 सप्ताह, अब 16 से हम दोस्तों क्या करें, फिर 7 कम कर दें, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 9। तो 9 वार को हमारा भी रविवार आ जाएगा, ठीक है, 2 सप्ताह पीछे हो गया, रविवार रविवार मिल गया। अब इस 9 से अब 204 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो जब रविवार से 4 दिन पीछे आएंगे, ध्यान समझना, रविवार 4 दिन पीछे आएंगे तो शनिवार मिलेगा, फिर आपको शुक्रवार मिलेगा, फिर आपको गुरुवार मिलेगा, फिर आपको बुधवार मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? बुधवार। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे बुधवार इस क्वेश्चन का लिख देंगे राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 48 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 के बाद दोस्तों अब हम 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया है कि यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? परसों शुक्रवार था, ठीक है। यहां पे दोस्तों देख लीजिए इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका। मान लीजिए आज हम यहां पे हैं, ठीक है, कर परसों शुक्रवार था, यदि परसों शुक्रवार था
तो आगामी परसों। अब दोस्तों आगामी परसों कहा है कि मतलब आज से आगामी मतलब आगे आने वाला परसों। अब ये इसमें कहा है, इस जगह पे कहा है परसों शुक्रवार था, तो इसमें आगामी नहीं कहा ना, तो इसका मतलब ये पीछे जो परसों निकल चुका है शुक्रवार, वो वाले शुक्र की वार की बात की गई। तो आज हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आएंगे ये कल था, और यहाँ पे ये आएंगे परसों था, तो इस जगह पे उसने बता दिया शुक्रवार है। तो ये क्या रहा होगा, ये शनिवार रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, ये रविवार रहा होगा। आज का दिन कौन रहा होगा, रविवार रहा होगा। फिर कह रहा आगामी परसों, यदि कह रहा यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, एक दो तीन, आगामी परसों तो रविवार के बाद यहाँ पे सोमवार आ जाएगा, यहाँ पे मंगलवार आ जाएगा। तो आगामी परसों मंगलवार आया, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो एक दो तीन, तीसरा दिन ये होगा मंगलवार के बाद, यहाँ बुधवार, यहाँ पे बृहस्पतिवार, और यहाँ पे शुक्रवार। तो कौन सा दिन ही आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 49 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 50 नंबर, और 50 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। फिर वही काम कर लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए आज हम यहां पे खड़े हैं, कह रहा आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो जैसे मान लीजिए आने वाला कल, आने वाला कल कह दिया ना, तो आने वाला कल हमारा ये हो जाएगा, आने वाले कल के 2 दिन बाद, एक दो दो दिन बाद यहां पे हमारा क्या होगा, शुक्रवार होगा। आने वाले कल के 2 दिन बाद इस जगह पे क्या होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो कहा है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो बीते हुआ कल हमारा ये है, इसके 2 दिन पहले एक, ये दो, कौन सा दिन होगा ये बात बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे आ रहे हैं ना, अब हम जो पीछे आ रहे हैं तो यहाँ पे शुक्रवार से एक दिन पीछे आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमको बृहस्पतिवार मिल जाएगा, यहाँ पे हमको बुधवार मिल जाएगा, अब बुधवार मिलने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमको मंगलवार मिल जाएगा, मंगलवार से यहाँ पे हमको सोमवार मिल जाएगा, सोमवार से यहाँ पे हमको रविवार मिल जाएगा, और यहाँ पे हमको शनिवार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों जगह पे, शनिवार, यानी शनिवार दिया गया 50 का ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 के बाद 51 नंबर, और 51 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे पांचवां दिन कौन सा होगा। अब यहां पे बता दिया गया माह का तीसरा दिन, तो हम यहां पे लिख लेते हैं माह का तीसरा दिन क्या है हमारा, यहां पे सोमवार है, माह का तीसरा दिन सोमवार है। तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन, माह का 21वां दिन, अब यहां पे लिख लेते हैं माह का 21वां दिन, माह का 21वां दिन। तो अब दोस्तों माह का 21वां दिन है, तो माने कि उसी माह का 21वां दिन, तो 21 में से, अब कह रहा माह का तीसरा दिन, तो मान लीजिए अगर 3 जनवरी रहा होगा, 3 जनवरी से फिर 21 जनवरी के बीच में दिनों की संख्या कितनी आएगी, 18 आ जाएगी। तो यानी कि हम 21 से 3 घटा दिया तो कितने आ गए, 18 दिन आ गए। तो अब ये कहा 18 दिन आ गया, अब 18 में कहा है कि उसी माह के 21वें दिन से आगे पांचवां दिन, तो 18 में हम क्या करेंगे, 5 दिन ऐड कर देंगे, तो 18 5 कितना हो जाएगा, 23 दिन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 दिन। अब इस 23 दिन में हम क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे, तो सात्विक 21 बचेगा हमारा 2, दो विषम दिन हमारे बन जाएंगे, दो विषम दिन आगे जा रहे हैं, तो दो विषम दिन आगे हम कर देंगे। तो जब आगे जाएंगे दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे दो विषम दिन आगे, तो फाइनली यहाँ पे 2, तो हमारा ये क्या था, सोमवार था, तो सोमवार से 2 दिन हम आगे जाएंगे, तो मंगलवार बुधवार, तो कौन सा दिन मिल जाएगा हमको, बुधवार मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 51 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 के बाद दोस्तों 52 नंबर, और 52 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि 52 और 53 नंबर के दोनों क्वेश्चनों को हमको कराए इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका उत्तर देना है। कहा गया कि एक वर्ष के एक विशेष महीने में 5 मंगलवार पड़ते हैं और अन्य सभी दिन 5 बार से कम आते हैं, तो कह रहा है यह उल्लेखित महीना कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। कहा गया कि एक वर्ष के एक विशेष महीने में, कोई एक वर्ष होगा और उस वर्ष में ये जो महीना दिए गए फरवरी अप्रैल जून नवंबर, इन्हीं में से कोई एक ऐसा महीना होगा जिसमें उस महीने में मंगलवार कितने पड़ते हैं, 5 पड़ते हैं, और अन्य सभी दिन, जो अन्य सभी 6 दिन बचे वो हमारे कितने पड़ते हैं, वो 5 बार पड़ते हैं। तो यानी कि जो मंगलवार को छोड़कर अन्य सभी 6 दिन जो होंगे वो कितनी बार पड़ेंगे, वो सभी दिन 5 बार से कम पड़ते हैं, यानी अर्थात 4 बार पड़ेंगे। तो 6 चौक को 24 बार पड़े होंगे, कितनी बार पड़े होंगे, 24 बार, ये अन्य 6 दिन पड़े होंगे। लेकिन एक विशेष महीने में 5 मंगलवार पड़ते हैं। अब मंगलवार हमारे कितने पड़ेंगे, 5, तो मंगलवार की संख्या 1 रहेगी, तो 5 बार पड़ेंगे। तो टोटल अगर इनको हम करें तो 24, 5, 29 दिन हमारे निकल आए। तो ये 29 दिन हमारे क्या होते हैं, विशेष कौन सा महीना होता है, फरवरी महीना होता है, क्योंकि फरवरी में हमारी 28 या 29 की फरवरी होती है। तो मान लीजिए उस विशेष वर्ष में ये लीप वर्ष रहा होगा और फरवरी 29 की रही होगी, तो ये 5 मंगलवार पड़ गए होंगे, बाकी और सारे दिन 4-4 पड़े होंगे, तो इसलिए 29 दिन बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 52 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया इसी में 53 नंबर, उसी क्वेश्चन को देख करके फिर हमको आंसर बताना है। कहा गया कि अगले महीने का पहला दिन है। अब दोस्तों अगला महीना, यानी कि यहाँ पे अभी जैसे हमने थोड़ी देर के लिए समझ लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि एक वर्ष के एक विशेष महीने में 5 मंगलवार हैं। तो अभी हमने फरवरी माह निकाला था, तो फरवरी माह का अगर हम देखें तो 1 फरवरी को भी मंगलवार रहा होगा, और फरवरी हमारा 29 की थी, तो 29 फरवरी को भी क्या रहा होगा, मंगलवार रहा होगा। तो ये हो गया। अब अगले माह की बात कही गई है, तो इसलिए यहां पे हम लिख देंगे अगले माह का पहला दिन। पहला दिन क्या हो जाएगा, अगले माह का पहला दिन हमारा बन जाएगा। तो मंगलवार से एक दिन आगे बढ़ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, बुधवार मिल जाएगा। तो बुधवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 53 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया 54 नंबर, और 54 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे किसी वर्ष का है, हमको वर्ष तो पता नहीं है, तो माना वर्ष कौन सा हो जाएगा, हमने मान लिया माना वर्ष क्या है, वो वर्ष हमारा 2001 है, हमने अपने आप से मान लिया। आप जरूरी नहीं कि 2001 ही माने, कोई आप दूसरा भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं 5 फरवरी 2001 को कौन सा दिन है, शुक्रवार दिन मान लो हमको पता है, ये हो गया। तो कह रहा उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो हमको 10 अगस्त 2001 को कह रहा कौन सा दिन होगा, ये ज्ञात करना है। तो अब हम देखें तो 5 फरवरी से चलना स्टार्ट करें और 10 अगस्त तक चलते जाएंगे, तो विषम दिनों की संख्या अगर देखें तो फरवरी 2001 में कितनी होती है, मान लीजिए किसी वर्ष का है ना, तो किसी वर्ष हम फरवरी हम यहाँ पे किसी वर्ष अगर ले लेंगे तो फरवरी हम हो सकता है यहाँ पे हमने लीप वर्ष वाली ले ली, यानी कि सन कोई लीप वर्ष वाला ले लें या फिर हमने साधारण वर्ष ले लिया। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा आ रहा है बुधवार या मंगलवार, शनिवार या रविवार, सोमवार या मंगलवार, इसका मतलब ये हम जैसे हमने साधारण वर्ष लिया 2001 और अगला ले लेंगे 2004, तो कोई सभी तो जो दिन इसका निकालेंगे उसी दिन एक आगे बढ़ा करके हम लोग बता देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसे ही दो ऑप्शनों में आंसर आएगा। तो
मेन बात कहने का मतलब ये था कि 2000 आप देखिए 5 फरवरी 2001 ना लेकर के अगर हम ये पे लिए होते 5 फरवरी सन 2000 ले लेते या 2004 ले लेते तो जो भी दिन आएगा उससे एक दिन बढ़ के आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे लीप वर्ष बन जाएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं। तो 5 फरवरी 2001 से चलना स्टार्ट करिए और 10 अगस्त तक चलते जाइए। मान लीजिए 2001 में फरवरी हमारी कितने दिनों की थी, 28 दिनों की थी, तो क्योंकि 2001 में 28 की तो होगी, तो 28 में से 5 निकाल देंगे तो हमारा 23 बचेगा, 23 में 7 21 दो विषम दिन आ गए। फरवरी के बाद मार्च में 3, मार्च के बाद अप्रैल में, मई में और जून में, जून के बाद जुलाई में, जुलाई के बाद अगस्त में हमारा 10, तो 7, 10 में 7 का भाग देंगे तो 3 विषम दिन बनेंगे। अब इनको सबको जोड़ेंगे, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 17 18, टोटल हमारे कितने आ गए, 18 हमारे क्या आ गए, विषम, ये आ गए मतलब विषम संख्या आ गई। अब इसमें हम 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे तो 7 2 14 4 18, 4 दिन हमारे आ गए। तो 4 दिन हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो अब दोस्तों 4 दिन आगे करेंगे, शुक्रवार से जब 4 दिन आप आगे जाएंगे तो शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों हमारा, मंगलवार। अब दोस्तों देख लीजिएगा, मंगलवार अकेले तो आंसर आ नहीं रहा है, अब मंगलवार या बुधवार, मंगलवार या सोमवार आ रहा है, तो मंगलवार के आगे जाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा, बुधवार। तो यानी कि देखा जाए तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार या बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों बुधवार हमने क्यों रख दिया, थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको मान लीजिए, यहाँ पे हमने 2001 माना था तो इसको हम अगली बार मान लेते हैं, वो वर्ष हमारा 2004 रहा होगा, तो जब 4 रहा होगा तो इस जगह पे हमारा यहाँ पे जो यानी कि फरवरी महीने में विषम दिनों की संख्या यहाँ पे कितनी आई थी, 2 आई थी, यानी कि 23 सात्री की, हाँ 2 आई थी, तो इसी जगह पे हमारा 2 और यहाँ पे हम अथवा 3 लिख देते हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा, 29 का हो जाएगा, तो 7 4 28, तो यहाँ पे 1 आने लगेगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो अच्छा जब दोस्तों 1 आ जाएगा, ठीक है ठीक है, एक मिनट देखिए गलती कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो अभी फरवरी माह में विषम दिन यहाँ पे कितने थे, 28 की फरवरी थी, तो 28 की फरवरी में हमने क्या किया, 5 हटा दिया तो 23 दिन बचे, कितने दिन बचे, 23 दिन बचे। तो अब इस 23 दिन में हम दोस्तों क्या करेंगे, 23 दिन में हम ऐसा कर सकते हैं, तो 7 का भाग दिया, 7 21, दो इसमें विषम दिन आ गए थे, तो अब अगर इसे मान लेते हैं फरवरी हमारी 29 दिनों की रही होगी, तो 7 4 28, तो यहाँ पे विषम दिनों की, अब यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी देख लीजिएगा, अब यहाँ पे 29 की फरवरी हो गई, 29 से पहले आप 5 कम करेंगे, जब 29 से 5 कम करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो 7 21, 3 बचेगा, तो 3 ही बचेगा, ठीक है, गलती हम लोग नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे थे दोस्तों, ठीक है ना, 3 बचेगा, 3 जब ये कब, जब हमने यहाँ पे 2004 लिया है तब 3 विषम दिन आ रहे हैं, और जब हमने यहाँ पे 2001 लिया तो 2 विषम दिन आएंगे। तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ जब यानी कि एक दिन यहाँ बढ़ जाएगा, 4 या 5 आने लगेगा ना विषम दिन, अभी 4 है तो अगली बार 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर बुधवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 54 का ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54 के बाद दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि शताब्दी वर्ष वो होते हैं जिनके लास्ट में 00 आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। अब कहा गया कि शताब्दी वर्ष इनमें से कौन कौन से दिन नहीं हो सकते, यानी शताब्दी वर्ष ये दिन होते ही नहीं है, तो वो कौन से हैं, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे मंगलवार हमारा शताब्दी वर्ष का दिन नहीं बनेगा, और ना ही बृहस्पतिवार बनेगा, और ना ही हमारा दोस्तों ये शनिवार बनेगा। बन सकता है तो केवल हमारा रविवार जो हो रहे हमारा वही शताब्दी वर्ष का दिन बन सकता है, अंतिम दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन रविवार ही बन सकता है, ना तो मंगलवार, ना ही बृहस्पतिवार, ना ही शनिवार नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 55 का हमारा
फोर्थ नहीं पूछा गया है, अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, तो मंगल बृहस्पति शनि, ये दिया गया सी ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए 255 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 के बाद 56 नंबर देखेंगे, और 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है, संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है, प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए ये हम आज की डेट में यहाँ रहे होंगे, कहा एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन प्राप्त होता है, आज दोपहर यहां पे क्या हुआ, आवेदन हमको मिला या प्राप्त हुआ, आवेदन मिला जिसके अगले दिन संबंधित शाखा को भेज दिया गया, यहां से अगले दिन यहां पे क्या होता है कि एक अगले दिन संबंधित शाखा को भेज दिया जाता है, यानी संबंधित शाखा, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं संबंधित शाखा, हमने लिख दिया संबंधित शाखा को क्या किया, अगले दिन हमने भेज दिया। अब यहां पे क्या करेंगे, फिर कहा है अगले दिन आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को, यहां से फिर अगले दिन हमने क्या किया, यहां से फिर अगले दिन संबंधित अधिकारी को भेजा गया, यानी कि यहां पे हमने अधिकारी को भेज दिया, ठीक है, संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण कर दिया, यानी कि ये संबंधित अधिकारी जो था उसी दिन इसका निस्तारण कर दिया। अब जब निस्तारण कर दिया तो यानी उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, ये शुक्रवार रहा है, कौन सा दिन था दोस्तों, शुक्रवार रहा है। अब दोस्तों ये जो शुक्रवार हमारा रहा है तो इस शुक्रवार से हम क्या कर देंगे, अब कहा है कि प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ, तो शुक्रवार से एक दिन पीछे आएंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा मिल जाएगा, बृहस्पतिवार मिल जाएगा, बृहस्पतिवार मिल गया। अब बृहस्पतिवार से एक दिन पीछे आएंगे तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा बुधवार, यानी कि देखा जाए तो बुधवार को उसको क्या मिला होगा, प्रार्थना पत्र मिला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 56 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 के बाद दोस्तों 57 नंबर देखेंगे, और 57 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले, मंगलवार के बाद तो यानी कि देखा जाए तो बुधवार, और फिर बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, हमने यहाँ पे बृहस्पतिवार लिख लिया, किंतु शुक्रवार से पहले, तो शुक्रवार से पहले है, ये हो गया, ये रंजना को ठीक से याद था। सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद रविवार से पहले, बुधवार के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया बृहस्पतिवार, और रविवार से पहले, बृहस्पतिवार किंतु रविवार से पहले, तो रविवार से पहले अगर हम देखें बृहस्पतिवार के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे शनिवार। तो अब कहा गया है सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन था, अब दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या मिल रहा है, बृहस्पतिवार यहाँ भी, बृहस्पतिवार दूसरे वाले में भी, तो यानी कि हमको ये पता चल गया कि निश्चित रूप से साधना का जो जन्मदिन था वो बृहस्पतिवार को था, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 57 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 नंबर, और 58 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून से पहले, 17 जून के बाद यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 जून से पहले, ये तो ये हो गया मनाया, जबकि बी को स्मरण है कि 24 जून से पहले परंतु 20 जून से पहले, 20 जून के बाद, 24 जून से पहले और परंतु 20 जून के बाद, 20 जून के बाद अगर देखें तो 21 जून आ जाएगा, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, ये हो गया। तो कहा गया कि तो किस तिथि को जन्मदिन मनाया गया, तो 21 कॉमन हो रहा है दोस्तों, इसलिए हमारा 21 इस क्वेश्चन का हो जाएगा 21 जून राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे 59 नंबर भी सेम ऐसे ही कहा गया है, कहा गया कि संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर से पहले, 8 दिसंबर के बाद बोले तो 9,
दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर के पहले, 13 दिसंबर के पहले हो गया। उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद, लेकिन 14 दिसंबर से पहले, 9 दिसंबर के बाद। तो अब यहाँ पे 9 दिसंबर के बाद, तो 9 दिसंबर के बाद अगर देखें तो 10 दिसंबर, 11 दिसंबर और यहाँ पे 12 दिसंबर और यहाँ पे 13 दिसंबर, किंतु 14 दिसंबर से पहले। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब कहा उनके पिता का जन्मदिन दिसंबर के किस तिथि को था, उनके पिता का जन्मदिन दिसंबर के किस तिथि को था। दोस्तों अब ये क्लियर नहीं किया जा सकता, यानी कि देखिए इसमें इतने कॉमन मिल रहे हैं, 10 भी मिल रहा, 11 भी मिल रहा, 12 भी मिल रहा। तो 10, 11 या 12 को इनमें से किसी एक डेट को उनके पिताजी का जन्मदिन था, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 59 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, और ये हमारा दोस्तों आज के क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कहा गया है कि संजीव को याद है कि उसके भाई मानवेंद्र की जन्मतिथि 20 के पश्चात, लेकिन 28 अगस्त के पूर्व, 20 के पश्चात, तो 20 के पश्चात यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, किंतु 28 अगस्त के पूर्व। रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्मतिथि 22 के पूर्व, लेकिन 12 अगस्त के पश्चात, 22 के पूर्व, 12 अगस्त के पश्चात। 12 के बाद अगर हम देखें कि पश्चात, 12 के बाद हमने यहाँ पे 13 लिख लिया, 14 लिख लिया, 15 लिख लिया, 16 लिख लिया, 17 लिख लिया, 18 लिख लिया, 19 लिख लिया, 20 लिख लिया और एक हमारा 21 लिख लेंगे। तो यहाँ पे कौन मिल जाएगा, देखिए दोस्तों 21 और ये 21 हमारा कॉमन मिल जाएगा। तो कंफर्म ये हो गया कि मानवेंद्र की जन्मतिथि 21 अगस्त को रही होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा और सारे ही क्वेश्चन समझ में आपको अच्छी तरीके से आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जुड़ करके आप अपनी सुझाव या राय या कोई सजेशन हो तो आप हमें वहाँ भी बता सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी भी चीज़ का स्पेशली कोई PDF वगैरह या किसी बुक को सोल्यूशन वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे ग्रुप से जुड़ करके आप हमें वहां भी बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको आपसे एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे, वनडे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वनडे एग्जाम हो, हर एक वनडे एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे स्टडी मटेरियल बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से दिया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।